वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूं एक नया गेम, और इस गेम के अंदर अपना काम क्या है कि भाई अगर कोई पीसी गड़बड़ हो जाता है तो उसको अपने ठीक करना है, नहीं तो किसी बंदे को अगर नया पीसी चाहिए तो एक तगड़ी सी पीसी उसको बिल्ड करके अपने को देना पड़ता है। तो इस गेम के अंदर काफी ज्यादा मजा आने, तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आता है उससे पहले एक प्यारा सा लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले भाई मैं नोटिफिकेशन में चलता हूँ और यहाँ पर एक बंदा का मेल आया हुआ है। तो पहले ये बोला है कि भाई मुझे एक पीसी बिल्ड चाहिए, जो कि अपना यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें दो चीज इसने भेजा है लिख के मुझे, इसका पावर सप्लाई जो होता है ना वो कम से कम 350 वाट का होना चाहिए, और इसके अंदर एक मदरबोर्ड होना चाहिए जो कि इसका मॉडल लिखा हुआ है। तो चलो मैं कहता हूँ इसको कर दूंगा सेंड। ओके, मैं ऑलरेडी बिल्ड करके नहीं रखा हुआ हूँ ना। नहीं, ये और मैसेज आया यहाँ पर जिसने बोला है मुझे कि पीसी के स्क्रीन कुछ वायरस आ चुका है तो उसको इंस्टॉल करके अपने को रिमूव करना है। चलो तो इसका ये भाई $32 तो दे देगा आराम से, $32-$33। चलो $33 इसे मांगते हैं। ओके, तो फाइनली ये दे चुका है अपने को और ये आ चुका है इसका पीसी। देख लो, इसको मैं इस पर रखता हूँ, अभी मैं करता हूँ प्ले पर क्लिक। अभी ये देखो इसका पीसी ऑन हो रहा है। आपको मैं इसके अंदर दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा और उसको रन करके मतलब पूरा वायरस को डिकांट के अपने को इस पीसी को उसको फिर से सेंड करना। तो ये देखो भाई क्या खतरनाक भाई वाइल्ड पेपर लगा हुआ है। चलो मैं भी करता हूँ इसको पीसी को इनेबल और इसके अंदर एक ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना अपने को, जो कि अपने को $15 के आसपास में मिलता है। चलो ये मैंने कर दिया, और एक और एप्लीकेशन जो कि ये है तो ये भी मुझे इंस्टॉल कर देना है इसके अंदर, और ये दोनों को इंस्टॉल करना है, अपना काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो चुका है इंस्टॉल। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ऑन करके और यहाँ पर स्कैन करता हूँ, ये वायरस को स्कैन करता है। यहाँ पर देखो आप लोग इसके अंदर वायरस है, तो मैं इसको वायरस को रिमूव करता हूँ और ये रिमूव हो चुका है। अब देखो ये वायरस हट चुका है पूरा। अब इसको मैं इनेबल करके इसको मैं रन कर देता हूँ, इससे अपना सीपीयू का जो है ना स्पीड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन इस काम की हो चुका, मैं इस पर रखता हूँ। अब भी मैं नोटिफिकेशन में चलता हूँ और इस बंदा का पीसी मैं करता हूँ यहाँ से सेंड। इसको मैंने सेंड कर दिया भाई, अपना पैसा भी मिल चुका है। तो चलो अभी और एक मैसेज आया है इसका क्या भाई, इसको भी देख लेता हूँ। तो इसको एक सीपीयू बिल्ड कराना है जिसके अंदर मैक्सिमम रैम 8 GB का होना चाहिए, मदरबोर्ड LGA1151 का होना चाहिए, और M.2 होना चाहिए एक, और एक रैम DDR4 का होना चाहिए। तो चलो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और इसमें कम से कम भाई अपना खर्चा तो 600-700 रुपया जाना, 600 रुपया कम से कम 500 जाएगा। तो मैं चलो 480 रुपया ले लेता हूँ इससे ना, $482 मांगता हूँ। देखो ये क्या दे रहा है या नहीं। ओके फ्री, ओके चलो अपने लोग अभी इसका एक पीसी बिल्ड करने वाला है, और यहाँ से अपने को अभी क्या करना है इस पे चलते हैं। और भाई इसके अंदर सबसे पहले कैबिनेट, तो कैबिनेट तो अपने पास भाई काफी ज्यादा कैबिनेट है, तो मैं क्या कह रहा हूँ ये वाला कैबिनेट अपने पास काफी अच्छा लग रहा है। आप लोग देखो अच्छा लग रहा है ना। चलो मैं इस पर एक पीसी बिल्ड करता हूँ। ये आ चुका है अपने पास एक पावर सप्लाई, जो कि ऑलरेडी इसमें लगा हुआ एक मदरबोर्ड। तो इसके मदरबोर्ड कौन सा लगाना है मैं वो पहले चेक करता हूँ भाई, यहाँ से अपने को देख के लगाना, नहीं तो पता चला ये नहीं लेगा। तो LGA1151, तो अपने पास इस मदरबोर्ड भी है LGA1151 है ना, इसके अंदर भाई एक DDR4 का रैम लगाना, तो इसमें DDR3 काम करेगा। तो मैं भी इसको रिमूव करके चेंज करता हूँ, तो आई थिंक DDR4 का किसमें रैम काम करेगा, आई थिंक इसके अंदर कर जाना चाहिए। हाँ, तो इसके अंदर DDR4 का एक रैम चाहिए, तो मैं 8 GB का रैम इसके अंदर 4-4 GB दो सोच रहा हूँ लगा देने का। चलो इसके अंदर अपने पास एक ही रैम है क्या, हाँ ये वाला एक ही है, तो मैं दो रैम लगाने वाला हूँ। तो ये वाला भी एक है, तो अभी दो रैम देखता हूँ DDR4 का, ये दो रैम है मेरे पास, तो ये 8 GB इसके अंदर रैम, एक SSD भी लगा देता हूँ, SSD लगा देता हूँ कितना GB का अपने पास, 500 GB का, और एक CPU में ये वाला लगा देता हूँ Ryzen 3 का, मैं ये नहीं लगेगा इसके अंदर, तो आई थिंक Ryzen 3 का मैं कौन सा लगा दूं, मेरे पास अभी और बहुत सारा CPU, तो आई थिंक i5 का लगा देता हूँ इंटेल, ये भी नहीं लगेगा भाई, तो कौन सा लगाऊं देखो, मैं भी इसके अंदर भाई पूरा इतना खतरनाक बंदा नहीं हूँ। चलो ये भी नहीं लगेगा, तो इसके अंदर कौन सा लगेगा, मैं CPU पहले लगाता हूँ एक अच्छा वाला, तो आई थिंक ये लगेगा इसके अंदर, यूज करने वाला हूँ जो कि मैं बाय में लगा देता हूँ। और आई थिंक अपने को और भी इसमें क्या क्या चीज लगाना था वो मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। तो M.2 एक लगाना था जो कि मैंने इसमें लगाया नहीं, तो M.2 SSD, तो ये मैंने SSD कार्ड लगा दिया। M.2 है क्या,
ये नहीं है तो मैं M.2 इसमें बाय करना है, तो रुक जाओ M.2 का SSD। ओके चलो ये है एक M.2 का जो कि मैं 480 GB का, तो दो बाय कर लेता हूँ फिलहाल में, अपने को काम आ जाएगा ये, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये मैं मंगा लेता हूँ। और आई थिंक और भी इसका कुछ रिकमेंडेड है जो कि मुझे इसके अंदर लगाना, DDR4 का रैम में लगा दिया, 8 GB रैम, मदरबोर्ड भी ठीक है। चलो मैंने ऑलरेडी इसका सारा का सारा सामान लगा दिया और अपने को ये एक एंटर लगाना इसके अंदर जो कि मस्त लग गया, और एक ये मैं इंसर्ट करता हूँ जो कि नहीं लगेगा इसके अंदर। भाई इसके अंदर भाई सामान लगाने में ही काफी ज्यादा दिक्कत मेरे को लग रहा है, तो आई थिंक ये मैं एंटर करके देखता हूँ नहीं, तो चलो मैं इसको बाय करता हूँ ऑनलाइन ही। अभी मैं चलता हूँ इस पे और यहाँ पर लिखा हुआ रहता है इसके अंदर ये वाला लगेगा जो कि मेरे पास होना चाहिए भाई, तो रुक जाओ मैं यहाँ पर चेक करता हूँ फिर से, और ये होना चाहिए मेरे को, नहीं मेरे पास नहीं है ये, कौन सा नहीं मेरे पास ये नहीं, तो चलो मैं इसको चेंज करता हूँ और मेरे पास यहाँ से मैं बाय कर लेता हूँ एक सामान, तो ये वाला लगेगा और एक ये, मैंने दो बाय कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पेस्टिंग भी करना है तो अपने ये वाला भी पेस्ट लगा सकते हैं। चलो इस पर पूरा पेस्ट लगाना है अच्छा से, मतलब ये जो बोला जाता है गुण है या क्या पता नहीं, पेस्ट है एक टाइप का जो कि CPU को चिपकाने में काम आता है। और इसके अंदर एक ग्राफिक कार्ड जो कि मैं सबसे सस्ता वाला कौन सा है अपने पास, 1 GB का एक ग्राफिक कार्ड जिसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। और आई थिंक ऑलमोस्ट इसमें सारा काम हो चुका है, बस एक काम मुझे बच चुका है ये लगाना जो कि अपना अभी तक आया नहीं है, तो ये आ चुका है, मैं इसको लगा के देखता हूँ। तो फाइनली हो चुका है अपना PC बिल्ड, अभी मैं इसको इनेबल करता हूँ, ये ऑन हो चुका है। चलो अभी मैं इसको ये PC सेंड करता हूँ बंदे को, और आई थिंक देखो इससे मुझे 500 रुपए का मुनाफा होने वाला। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, ये आ चुका है इसका PC, सेंड करता हूँ। इसके अंदर कुछ तो दिक्कत आ रहा है भाई, क्या दिक्कत आ रहा है ये मेरे को पता नहीं, और क्या दिक्कत आ रहा है, मैंने इतनी सब चीज तो सही लगाया पता नहीं, इस बंदा को सेंड नहीं हो रहा। तो चलो एक बार और मैं चेकअप करता हूँ इसका, इतनी दिक्कत क्या है इसके अंदर। चलो एक SSD भी लगा ही देता हूँ, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, अभी मैं इसको और कंप्लीट ऑल रिक्वेस्ट बिफोर वेरीफाई, ये क्या आ रहा है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तो चलो मैं एक बार क्या करता हूँ इस PC को इनेबल करके चेक करता हूँ ये पूरा ऑन हो रहा है या नहीं, तो ये ऑन तो हो रहा है। ओके मेरे को लग रहा है इसके अंदर मैं विंडो को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो चलो मैं विंडो एक्टिवेट भी कर देता हूँ। ASUS का विंडो है क्या, मेरे को लग रहा है ये कंप्लीट होने देते इसके बाद कहीं सेंड हो जाएगा, तो मेरे को लग रहा है इसके अंदर मैंने विंडो ने एक्टिवेट किया इसके कारण ये सेंड नहीं हो रहा था। चलो ये हो चुका अपना विंडो ओपन, और मैंने विंडो 10 एक्टिवेट किया इसके अंदर, और ये पूरा कंप्लीट होने देते इसके बाद इस बंदा को मैं सेंड करता हूँ। अभी रुक जाओ, अब मैं ट्राई करता हूँ सेंड करके, आई थिंक अब हो जाना चाहिए, तो ट्राई अगेन, अगर हो जाना चाहिए नहीं हो रहा तो पता नहीं क्यों। चलो इस बंदा को देखता हूँ, ओके इसके अंदर एक विंडो 10 एक्टिवेट करना है, तो ले लेता हूँ काम। और आई थिंक 100 रुपए का विंडो 10 आता तो मतलब $167 अपनों को मुनाफा हो जाएगा। चलो इसका ये आ चुका इसका काम, और इसके अंदर मेरे को विंडो 10 को एक्टिवेट करना है, तो ये आ चुका अपना विंडो 10, और करता हूँ एक्टिवेट, और ये हो चुका अपना विंडो 10 एक्टिवेट हो रहा है भाई। और इसमें को थोड़ा सा टाइम लगता है अपने को, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। चलो इसको होने देते एक्टिवेट, ये हो चुका एक्टिवेट, और अपने को एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, तो मतलब नॉर्मल काम है भाई, कुछ मजा आ रहा है लेकिन खेलने में। जो भी हो ये अपना सिस्टम ओपन हो रहा है, डाउनलोड में चलते हैं यहाँ पर, और मेरे को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना जो कि है ये, और ये अपना फ्री एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये हो चुका एप्लीकेशन इंस्टॉल, और मैं करता हूँ इसको इनेबल, और इससे अपना CPU जो है थोड़ा फास्ट काम करता है, मदरबोर्ड और GPU मॉनिटर जो भी हो सबसे अच्छा काम करता है इससे। और ये हो चुका बंदा का काम कंप्लीट, तो अभी मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए इसको सेंड करता हूँ, और रुक जाऊँ हाँ, तो अभी मैं इसमें चल रहा हूँ मेल में, और आई थिंक यहाँ पर इसका मेल है, और ये इसका हाँ इसको सेंड कर देता हूँ इसका।